हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देने जा रहा हूँ। आप जब भी किसी वीडियो को ओपन करें, शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें और एक डायरी भी रखें, बिकॉज कि ऐसे तो मैं कहूँगा लगभग सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आप उसका एक नोट्स तैयार करें और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण चैनल से आप जितना जल्दी हो जुड़ जाएं। तो आपको पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि p बराबर 11 है तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन है 1629, दूसरा है 1225 और तीसरा है 1717 और चौथा है 1111, यानी कि 1111। हम लोग सॉल्यूशन में जा रहे हैं। एक ऑप्शन इसमें 1727 है। अब आप आइए सॉल्यूशन में, पी इंटू है पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, इसको आप ब्रैकेट तोड़ दीजिए, पी स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर और बगल में 1 कर दीजिए और फिर 3p आएगा और 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 का क्यूब। आपने यहाँ क्या किया है जानते हैं, 1 का क्यूब जोड़े हैं और 1 का क्यूब क्या किया, घटाया। ये फार्मूला हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा फार्मूला हो गया। ये a प्लस बी का होल क्यू, p प्लस 1 का होल क्यू और p का वैल्यू 11 जानते हैं, 11 जब बैठाएंगे तो 11 का क्यूब माइनस 1, तो 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 में से एक घटेगा तो क्या आएगा, 1727। हमारा जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है। ये स्ट्रक्चर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 3a² b + 3ab² + b³, इतना का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, है 1 + 10 10° × 1 + 10 35°, इसका वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन हाफ है, दूसरा 3/4 है, तीसरा 1 है और चौथा 2 है। मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि यदि ए और बी 45° या 225, बिकॉज कि 10 45 का मान भी 1 होता है, क्यों 10 45 का भी मान 1 होता है और 10 225 का मान भी 1 होता है, 10 225। तो ऐसा कंडीशन में आप याद रखेंगे तो 1 + tan a और 1 + tan b, इसका वैल्यू 2 होता है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि 10 और 35 45 हो रहा है, 10 45 10 35 45, ये दोनों का जोड़ हमको चेक करना होता है, जोर के या तो 45 आ जाए या 225। तो ऐसे कंडीशन में उसका वैल्यू हमेशा 2 ही होता है, इसे याद कर जाना है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 10 अगर रहेगा 1 + जैसे रहेगा 10 40 डिग्री
और 1 प्लस रहेगा 10 5 डिग्री, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 2, काहे कि 40 5 क्या 45, 1 प्लस 10 रहेगा 200 डिग्री और 1 प्लस रहेगा 10 25 डिग्री, यानी ये अगर दोनों जोड़कर या तो 45 आ जाए या 225 आ जाए, ऐसे सवाल का वैल्यू हमेशा दो ही होता है, आप इसे याद रखें। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो एक्स का पावर 3 बटा वाई का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 बटा, इसको एक्स क्यूब भी कहते हैं, एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है 18 है पहला ऑप्शन, दूसरा 15 है, तीसरा 16 है, चौथा 17 है। हम लोग एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करें इसको, आप एक्स बटा वाई को ए मान लें, तो वाई बटा एक्स बराबर हो जाएगा 1/a, तब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1/a² 7। अब आप क्या करें इसमें, दोनों तरफ 2 जोड़ दें, आप जो है आप यहाँ भी 2 जोड़िए और यहाँ भी 2 जोड़िए, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और बराबर 9 हो जाएगा, a प्लस 1/a बराबर 3 और x बटा वाई को हम a मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तब हमको निकालना है अब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर हम इसको x मान लें x क्यूब माइनस 3x और x का मान मेरे पास 3 है, 3 का क्यूब और 3 × 3 27 में से 9 घटेगा 18 आया। तो एक बार मैं और समझा देना चाहता हूँ, मैंने x बटा वाई को a मान लिया, यहाँ y बटा x है, ये उल्टा लिखाएगा तो a जो है a का उल्टा 1/a हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ए स्क्वायर 1/a² बराबर 7, अगर यहाँ प्लस 2 करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7 2 9 स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आ गया, 9 का वर्गमूल 3, और इसका फार्मूला ही होता है, अगर ये x रहेगा तो इसका वैल्यू x क्यूब माइनस 3x और x का मान 3 बैठा दिया, इस तरह से इसका आंसर आया 18। या फार्मूला आप याद कर जाएं, a प्लस 1/a बराबर x, तो a क्यूब प्लस 1/a³ बराबर x क्यूब माइनस 3x। अब मैं फिर आपको अगला वीडियो में फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।